वायग्रा वी आर कमिंग। आप इस फ्रेम में कितने अच्छे लग रहे हैं, वाओ। कुछ मिल जाए। हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। एंड आज है संडे, फंडे शूट खत्म हो चुका है तो काफ़ी ज़्यादा सब लोग रिलैक्स मूड में हैं। थोड़े से कल से फिर वही कुत्तों वाली ज़िंदगी चालू हो जाएगी, तो आज थोड़ा मज़े मारने वाले दिन है। तो मैं ना ऐसे एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एक आदमी था कहीं अमेरिका में, वहाँ पर उसने एक दिन में 7 वायग्रा टैबलेट्स खाई, उसका हार्ट एकदम सडन स्टॉप हो गया। मुझे ना क्यूरियोसिटी इस बात की है कि मैं वायग्रा के बारे में सुना है बचपन से, ठीक है, बट कभी ऐसे यूज नहीं किया। तो आज क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए तुम लोगों से, इसलिए मैं अपनी जान दांव पे लगा के वायग्रा खाने जा रहा हूँ। एक ही गोली खाऊंगा, मैंने सब मतलब प्रिकॉशंस पढ़नी है कि एक गोली में कुछ नहीं होता। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि बहन जी तुम वायग्रा की गोली खाओगे और तुम बन जाओगे हफ्सी, तुम्हें अब चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी पता नहीं इतना ग्लो क्यों मार रहा हूँ, मज़ा आ रहा है देखने में खुद को। जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो ज़्यादातर चीज़ें ये होती हैं कि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, बॉडी में एनर्जी आ जाती है, थोड़ा बहुत सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है, बट उतना तो हैंडल कर सकते हैं। और मैंने कपड़े आज ढीले ढीले पहन लिए, वो पैंट मैंने ढीली ढीली पहन ली क्योंकि टाइट पैंट पहनता तो मैटर ख़राब हो जाता ना, अगर कुछ मामला मतलब सल्यूट मारने लगता कोई तो दिक्कत हो जाती। तो मैंने हल्की पैंट पहन ली है जो खुली खुली रहे, इतना पता ना लगे। वायग्रा वी आर कमिंग। यहाँ पे यार फट रही है, कैसे मैं हूँ। चलो धीरे से बोलता हूँ। वायग्रा का पैकेट होगा 50 mg का। यार यहाँ पर तो मिली नहीं यार, अब आगे जाना पड़ेगा, या तो मेरी शक्ल देख के दीनी होगी, कह रहे होंगे इसे तो कुछ मिलता नहीं होगा, फालतू में ले जा रहा है। तो भाई चलो दूसरी दुकान पे आ गए हैं, अब यहाँ देखते हैं कि तो भाई फट बहुत रही है यार लोगों से मांगने में, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार कॉन्डम मांगने गया था ना, वैसा ऐसा लग रहा है। भैया 50 mg वायग्रा होगा टैबलेट, बड़ी छोटी टैबलेट मिली है यार, मुझे तो लग रहा था पैकेट पॉकेट में मिलती है। तो भाई ये है कुछ टैबलेट, विगोरिया ये कंपनी मैंने देखी थी जब मैं सर्च कर रहा था, तो ये एक टैबलेट लेके जा रहा हूँ, देखते हैं इसको कुछ होएगा नहीं होएगा, क्या होता है। तो भाई ले लिया हमने, टांग फट रही है थोड़ी सी कि शाम को घूमने जाना है, समझ नहीं आ रहा बहन चोद, अगर दिक्कत ज़्यादा हो गई व्लॉग के चक्कर में, अगर मेरी मृत्यु हो गई। याद रखना एक बंदा था जो कंटेंट के लिए मर गया तुम्हारे लिए। आंखें मेरी सूजी पड़ी हैं, इस वजह से चश्मा लगाया मैंने, स्टाइल मारने का मुझे कोई खास शौक नहीं है, सच बता रहा हूँ। ओके, तो घर पे आ गया हूँ और चालू करते हैं एक्सपेरिमेंट। ये है, ये दिखा देता हूँ एक बार कि कहीं तुम लोग बोलो बहन के लड़ नहीं ली तूने। ये देखो भाई, ये फोकस करना बहन चोद इस पे, ये है गोली विगोरे, इसको सर्च मार लेना, ठीक है। वायग्रा 50 g है ये, कर रहा हूँ मैं ये सब, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी कंटेंट की कमी हो गई है मेरे पास, फक गांड फट गई बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, तो अभी 40 मिनट हो गए हैं दवा लिए हुए, थोड़ी थोड़ी सी मतलब बेचैनी सी हो रही थी, बाकी तो सही है। अब आगे देखते हैं आगे और क्या क्या होता है बॉडी में। और सल्यूट अभी किसी ने मारा नहीं है, शायद थोड़ी देर में मारने वाला है क्योंकि फीलिंग थोड़ी आ रही है मुझे। बाकी मुझे ये नहीं समझ आ रहा ये दीवार में छेद है, उससे अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। ओके, तो भाई मेरी हालत तो थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लगी है, लेकिन तुम्हारी हालत हमेशा सही रहे उसके लिए एक बहुत सही प्लेटफॉर्म, एक बहुत सही वेबसाइट के बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है मोस्ट बेट। तो यार यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं एंड उन्हीं में से एक गेम है एविएटर, जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट प्लेन उड़ने से पहले तुम्हें एक प्रिडिक्शन प्लेस करनी है, एंड अगर तुम्हारी प्रिडिक्शन सही होती है तो माल धड़ाधड़ अंदर। तो बेसिकली यार यहाँ पे लेफ्ट में ऑप्शन होता है जहाँ पे तुम अमाउंट चूज़ कर सकते हो कि तुम कितना लगाना चाहोगे, राइट। एंड राइट में जो अमाउंट तुम जीते हो वो इजीली तुम अपने गेम अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। एंड जैसे मैं तुम्हें अभी करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये मैंने प्रिडिक्शन डाली एंड यहाँ पे मेरे 4000 रुपये अंदर आ गए, ठीक है। तो बहुत ही इजी पीजी चीज़ है, बहुत ही सही वेबसाइट है। और अगर तुम्हें 150% बोनस और 25000 रुपये चाहिए, अगर है तुम्हारे अंदर ये लालच, तो जाओ और मेरा प्रोमो कोड यूज़ करना India2022, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया इस वेबसाइट का। व्लॉग ख़त्म करते ही डू चेक दिस वेबसाइट, इट्स अ रियली कूल प्लेटफॉर्म टू अर्न इजी पीजी मनी, सो लेट्स गो। बाकी चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि और क्या हालत बिगड़ी है मेरी ये गलत डिसीजन के बाद, लेट्स गो। तो भाई अभी हो चुके हैं अराउंड 3 घंटे और हल्का हल्का हार्ट बर्न हो रहा है, ज़्यादा नहीं हल्का हल्का, और थोड़ी सी नॉशियस सी फीलिंग हो रही है अंदर, एंड एनर्जी काफ़ी हाई लग रही है, लाइक ऐसा लग रहा है कि बस कुछ मिल जाए।
रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मतलब चिन्नी मतलब डांस वांस कर लूँ ऐसे वाली चीज़, ठीक है मिल जाए, मतलब उससे नहीं। बाकी आज संडे था तो इसने फ़ोन किया, मेरे पास भी कोई प्लान नहीं था, इसके पास भी कोई प्लान नहीं था, तो हम दोनों ने मिलके प्लान बना लिया। अभी आ गए इधर और इसको मैंने वो चीज़ बताई नहीं है अभी जो मैंने आज कांड किया व्लॉग के लिए, बताता हूँ अभी। पता आज मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ खा ली 50 mg की वाइग्रा एक गोली ट्राई करने के लिए। अबे मजाक नहीं कर रहा सच में, मम्मी कसम वीडियो दिखा दूंगा अभी। तो वाइग्रा का नशा कर रहा है? नशा नहीं, मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखता हूँ। अबे मैंने ब्लॉग के लिए खा ली ना कि वाइग्रा का एक्सपीरियंस बताऊंगा क्या होता है। आई नो आई एम वियर्ड एज फक। तो मैंने ये रिस्क लिया है अभी उसके लिए। कैसे मुझे गाली दे रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। ऑल दो शी इज राइट, मैं तेरे को देख फेस नहीं कर पा रहा, रुक छुपा लेता हूँ अपनी आँखें। ब्लॉग इस फ्रेम में कितने अच्छे लग रहे हैं, वाओ। अबे एक में कुछ नहीं होता, मुझे बस एनर्जी फील हो रही है बॉडी में और कुछ नहीं हो रहा। अभी क्या हुआ, मेरे को ना एकदम से झटका लगा बॉडी में कुछ, तो मैं बैठ गया, तो ये घबरा गई कि क्या हो गया, मरने वाला हूँ क्या। मेरे को पाद आई थी, पाद मारी है बहुत तगड़ी। तो बहन जो पाद नहीं मार सकते क्या, हाँ सुंदर कितना लग रहा हूँ मैं ये देख। ओ भाई ये था वो, अरे हाँ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। तो ये वो बार है, बंद हो गया यहाँ पे। यार जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, तो यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले सीन हुआ था, तो यहाँ पे 3000 रुपए के बिल के लिए उसने बोला था, 300 रुपए की बात थी, मतलब उसने कुछ बोलता कि सर्विस चार्ज नहीं देना मुझे। तो उस चक्कर में यहाँ के स्टाफ ने मिल के उस बंदे को जान से ही मार दिया। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि हम इसी जगह पे एक बार गए थे और हमें काफ़ी सही लगी थी ये जगह। सही तो थी यार, अच्छी था। अभी इसको बंद कर दिया, एंड यहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है इसी चक्कर में। एम शिवलरी, शिवलरी इज नॉट डेड। अच्छा मैं तले नहीं करता हूँ, चेयर नहीं खींचता हूँ मैं तले, हमेशा मेले कौन खींचेगा, पापा पापा खींचेंगे तेरे। ओके तो यार अभी बट हल्का सा फीवर फील हो रहा है, हल्का सा नॉशियस फील हो रहा है, अब लाइक स्टार्ट हो गया है होना, और पसीना बहुत आ रहा है। और ये मुझे तब से गालियाँ दी जा रही हैं कि क्या कर रहे हो। All my friends are toxic. मैंने एक और गलती कर दी, गलती क्या मेरी चॉइस ही है वो, पता नहीं क्या होगा। मैं बाहर आया था तो मैंने कहा पैसे तो लगने वाले हैं तो सिर्फ खाना खा के क्यों जाऊँ, तो मैंने ना LIT मंगा ली है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो ओवरडोज ना कर दे या कुछ ऐसे नेगेटिव वो ना मार दे साइड इफेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी मेरी हालत डाउन हो रही है, गंदी वाली तो नहीं बट हो रही है। मरने वाला है ये, इसका लास्ट ब्लॉग। व्हाट व्हाट, ये मरने वाला है अभी और ये इसका लास्ट ब्लॉग। RIP लिख दो सबको ऑलरेडी, ठीक है। मेरे दांतों से बोतल खोल लूं में कितने सही लगते हैं, अबे देख तो जब मर जाऊंगा ना तो यही फोटो लगाइयो मेरे फ्यूनरल में। आ गया मेरी मौत का सामान, आज तो जी डेथ है, नीचे एम्बुलेंस मंगा ली है और एक पंडित भी बुला लिया चंदन की लकड़ियों के साथ। चेयर्स टू माय डेथ। क्या हुआ तेरे को, मेरे तो एल लग गए। आप मुझे बोलो मरने वाला है। गाइस गाइस टू से गुड बाय। सीन पता क्या हो रहा है, मेरे को शायद दारू नहीं पीनी चाहिए थी बिकॉज़ हिट वायग्रा के साथ ना कुछ, और मैंने सिर्फ एक ग्लास पिया है, एक ग्लास में भी
अजीब सा हो रहा है, लाइक मेरे को बहुत नॉशियस फील हो रहा है। ओके, तो आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत मुझे नॉशियस फील हो रहा और बेचैनी हो रही थी एंड पसीने आ रहे थे, डेथ से, ठीक है। तो बट मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा ये चीज़ें कोई ट्राई ना करें। मैं चूक गया था, मैंने कर लिया। एंड मैं इसलिए भी चूक गया हूँ क्योंकि मैं मेट्रो स्टेशन पर खड़े होकर सीटें दे रहा हूँ फॉर सम रीज़न। ज़िंदगी में पहला यूट्यूबर होगा जो ऐसा कर रहा है। बट एनीवेज, ओके तो यार, अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड आई नो बहुत लेट हो गया है ये ब्लॉग लाने में, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहा था बीच में मैं, और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था चीज़ों के लिए। बट अब कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी आएँ, और शादी वाला ब्लॉग आना है, और अभी बहुत अच्छी वीडियो शूट करी उसका, BTS बहुत सही बना हुआ है वो आना है। उसके अलावा एक ट्रिप प्लान हो रखी है, वहाँ पर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड हैं। थोड़ा बहुत अभी काम है मुझे, बस उस काम को निपटा के आई गेट फ्री एंड आई ट्राई टू बी मोर रेगुलर। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कुछ दिनों में करने वाला हूँ, मैंने कुछ सोचा है इस चैनल के लिए, तो वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगा। तब तक प्यार बनाए रखो एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, गाज़ियाबाद रहो, ये मेट्रो स्टेशन बाय द वे हौज का से बाय।